हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, अक्सर आपने सोसाइटी में लोगों के द्वारा MBBS और जितने भी आयुष फील्ड के डॉक्टर हैं, चाहे वो BMS, BHMS या BMS कर रहा है, इनके बीच में आपने कंपैरिजन सुना होगा और आपने अक्सर यही पाया होगा कि लोग जो होते हैं वो MBBS को सुपेरियर मानते हैं और जितने भी आयुष फील्ड के डॉक्टर हैं उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और जैसे कि काम तो सब एक ही कर रहे हैं, चाहे आप आयुष फील्ड के डॉक्टर की बात कर लो तो वो भी अपनी पेटी का यूज करके सेवा का काम कर रहा है और अपनी पेटी का यूज करके चिकित्सा कर रहा है, और भाई अगर हम MBBS की बात करें तो वो भी अपनी पेटी का यूज करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं यहाँ पर MBBS की बुराई करने यहाँ पर नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी सोसाइटी में क्यों लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसा इसके क्या कारण है, तो इसी के रिगार्डिंग क्या किया गया था, लोकसभा में आयुष मंत्रालय से कुछ सवाल किए गए थे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आयुष मंत्रालय ने इन सारे सवालों का लोकसभा में क्या जवाब दिया था। तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हैं और हम स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सवाल किए गए थे और आयुष मंत्रालय ने इन सारे सवालों का क्या जवाब दिया था। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, कुछ इस तरह से 17 मार्च 2023 को आयुष मंत्रालय से लोकसभा में कुछ सवाल किए गए थे और ये जो सवाल है वो एडवोकेट AM आरिफ के द्वारा पूछे गए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने क्या पहला सवाल पूछा था। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में सेवा और वेतन के मामले में आयुष चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों के बराबर नहीं माना जाता है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? तो इसका उन्होंने आयुष मंत्रालय ने क्या जवाब दिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में तैनात आयुष डॉक्टरों के लिए कैडर नियंत्रण प्राधिकरण आयुष मंत्रालय भारत सरकार है। इन डॉक्टरों को CGHS में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैनात आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टरों के बराबर वेतन और भत्तों का लाभ मिल रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आयुष डॉक्टर है ना, और जो भी आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टर है, उन सभी को बराबर वेतन दिया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, जिसे हम DSP योजना के तहत आयुष डॉक्टरों के समयबद्ध पदोन्नति दी जाती है, जो आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टरों के बराबर होती है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि वेतन भी बराबर है और साथ ही में जो रिटायरमेंट की एज है वो भी, चाहे आप आयुष चिकित्सा की बात कर लो या आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टरों की बात कर लो, तो वो भी एकदम बराबर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सरकार ने आधुनिक चिकित्सक के डॉक्टरों के बराबर आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु भी 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। तो जो भी आयुष चिकित्सक के डॉक्टर है उनकी जो रिटायरमेंट एज कितनी है, पहले कितनी थी, 60 वर्ष थी, लेकिन अब इसी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 65 वर्ष कर दिया गया है। और साथ में गाइस उन्होंने ये भी बताया कि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति और उनके वेतन का निर्धारण संबंधित राज्य क्षेत्र के सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका दूसरा सवाल क्या था इनका, क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय पर ध्यान दिया है कि आयुष चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और यदि हाँ तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है? तो आयुष मंत्रालय ने इसका क्या जवाब दिया, जी हाँ, उपरोक्त क्रम में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है। तो उन्होंने बताया कि वेतन भी बराबर है और यहाँ पर रिटायरमेंट एज जो है वो भी, आयुष चिकित्सा के डॉक्टर की बात कर लो या आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टर की बात कर लो, तो वो भी बराबर है। तो अगर हम इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए देखें तो दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है और दोनों को बराबर समानता दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या सरकार देश में आयुष चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों के बीच भेदभाव को खत्म करने के लिए एक व्यापक कानून लाने की इरादा रखती है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? तो उन्होंने बताया कि फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जवाब, जी नहीं, ऐसा कोई अभी प्लान नहीं है, लेकिन हाँ बाद में ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है और इसके रिगार्डिंग कोई भी कानून नहीं आया है। तो गाइस इस तरह से आयुष मंत्री से लोकसभा में कुछ सवाल पूछे थे और उन्होंने उनका इस तरह से जवाब दिया था। तो और लेकिन गाइस आपको बता दूं कि ऐसा कुछ ही लोग होते हैं जो सोसाइटी में आयुर्वेद को थोड़ा नीचा दिखाते हैं, लेकिन गाइस अभी आयुर्वेद बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और काफ़ी लोग आयुर्वेद पर फेथ भी रखने लगे हैं और आयुर्वेदा की चिकित्सा का पर अच्छे से विश्वास करने लगे हैं और अब सभी लोग प्रेफर करने लगे आयुर्वेदा को, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि जितने
जितने भी अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो वो कई प्रकार के साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ही मिनिमम है, इसलिए अब लोग जो वो आयुर्वेदा की तरफ बढ़ रहे हैं और आयुर्वेदा भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अब ऐसा नहीं है, अब कुछ ही लोग चंद ही लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन पर काफ़ी लोग अब आयुर्वेदा पर फैत करते हैं। और आपने देखा कि सरकार भी किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही है और जितने भी आयुष डॉक्टर है, आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टर, सबको बराबर लेकर सरकार भी आगे बढ़ रही है। तो गाइस ये थी वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी आप शेयर करिए ताकि उनको भी इस चीज़ का नॉलेज हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट हम हमारे चैनल पर लगातार लाते रहते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन। We'll be right back.